बात करते हैं बिहार पुलिस की, जिसकी शर्मनाक सच्चाई सामने आई है। बिहार की पुलिस जातियों में बटी हुई है। पुलिस लाइन में हर जाति का अलग चूल्हा है और यहाँ अलग अलग जाति के लिए अलग खाना पकता है। हर जाति के पुलिस वालों का रसोईया भी अलग है, बैरक भी जातियों में बटे हुए हैं। यानी बिहार पुलिस में जातिवादी का जहर घुला हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार पुलिस का चूल्हा जात पात में बटा है। यहाँ रसोई घर के चूल्हे में जलती है जातिवाद की आग। किन किन लोगों का है? एक भूयाद चौका है, पंडित जी चौका है, चौथा बाबू साहब का चौका है। सुनने में शर्मनाक है, लेकिन है 100% सच। बिहार में पुलिस वाले अपने साथी को वर्दी से नहीं, जाति से पहचानते हैं। किचन के सामने जो पुलिसकर्मी खड़ा है, वहाँ खाना खा रहा है, तो दूर से ही पता चल जाता होगा। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है, एकदम सही है। बिहार के तकरीबन हर पुलिस थाने, हर पुलिस लाइन में अलग अलग जाति के पुलिस वालों के लिए अलग अलग रसोई है। ये पटना और गया की पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस वालों के लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना तैयार किया जा रहा है, लेकिन चूल्हा साझा नहीं है। यानी यहां खाना एक किचन में नहीं बनाया जा रहा, बल्कि हर जाति के पुलिस वालों का किचन अलग अलग है और हर किचन का अपना अलग रसोईया। यहां आप देख सकते हैं, एक चूल्हा जल रहा है और चूल्हे पर अभी खाना बन रहा है, लेकिन यहाँ जो खाना तैयार हो रहा है, इसे यहाँ तैनात हर पुलिसकर्मी नहीं खा सकता है। एक जाति विशेष के पुलिसकर्मी ही इसे खा सकते हैं। ये किचन पासवान जाति का है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पासवान जाति के ही पुलिसकर्मी खाना खाएंगे। इसी तरह यहाँ जो दूसरे किचन है, वहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यादव जाति का किचन है। इस किचन में तैयार खाना सिर्फ यादव जाति के पुलिसकर्मी ही खाएंगे। एक और किचन, ये राजपूत किचन के नाम से जाना जाता है। एक जाति का पुलिस वाला ना किसी दूसरी जाति के चूल्हे पर खाना बना सकता है और ना ही वहाँ खाना खा सकता है। यानी एक जाति के रसोई में दूसरी जाति के पुलिस वालों को घुसने की इजाजत नहीं है। कोई पुलिसकर्मी आपके यहाँ खाना चाहता हो तो क्या उसको कोई एप्लीकेशन देना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं, वो नहीं खा सकता है। अच्छा। उसको नहीं खाने देता है। कैसे समझाते हैं उसको? वो उसका अलग मेस है, अपना अलग उसमें खाएगा। तुम जाओ अपने मेस में, अपने मेस में जाओ, अपने खा लो वहाँ। बिहार पुलिस में जातिवाद का जहर इस कदर घुला है कि सिर्फ रसोई ही नहीं, पुलिस वालों के बैरक भी बटे हुए हैं। यानी एक जाति के पुलिस वाले एक बैरक में रहते हैं। अगर गलती से किसी एक जाति का पुलिस वाला दूसरी जाति के मेस या बैरक में चला जाए तो उसे अपमान झेलना पड़ता है। जो जाति के आधार पर बैरक में रहने का मिलता है और जो उस जाति का नहीं रहता है, उसको उस बैरक से हटा दिया जाता है और बक्सा भी रखा जाता है वहाँ। तो बक्सा रख करके अगर सिपाही दूसरी जगह चला जाता है तो उसका बक्सा उठा करके वहाँ से फेंक दिया जाता है। बिहार पुलिस में जाति के आधार पर रसोई और बैरक का बंटवारा काफी पुराना है, लेकिन राज्य के DGP बंटवारे की इस शर्मनाक सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए भी उन्हें किसी शिकायत का इंतजार है। अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोई शिकायत अगर लोग करेंगे, पुलिस लाइन के ही कुछ पुलिसकर्मी कर सकते हैं, क्योंकि जो इससे आहत होंगे वो निश्चित रूप से सामने आएंगे। तो मेरे विचार में अभी कोई पुलिसकर्मी हम लोगों के पास तो इस प्रकार की शिकायत लेके आया नहीं। 9 साल पहले साल 2006 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने इस शर्मनाक व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दिया था। बिहार ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस पर कड़ा एतराज जताया था, लेकिन आज भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हैरानी है कि एक तरफ हम 21वीं सदी में हैं और दूसरी तरफ जाति के नाम पर चूल्हे बने हुए हैं और जाति के नाम पर पुलिसकर्मी बटे हुए हैं। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, पटना।